हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने पहले लेक्चर में क्या देखा था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, जो हम लोगों ने बचपन से भाग देते हुए जो आए थे उसी को भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख देना ही क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और एक चीज और है कि जो शेषफल होगा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उससे तो छोटा ही होगा। जैसे आप 5 से किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल या तो 4 आएगा या 3 या 2 या 1 या 0। तो यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी कि बेसिकली हमारे पास अगर दो नंबर ए और बी दिए हूं तो हम ए में जो है ए क्या है बी से बड़ा है, तो बड़े वाले में जब छोटे वाले से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भागफल आएगा। और भाग देते देते यहाँ पे कुछ आएगा शेषफल, इसको आर बोलते हैं। आर शेषफल मतलब रिमाइंडर। और इसको क्यों बोलते हैं, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और ये शेषफल क्या होगा, शेषफल जिससे आप भाग दे रहे हो उससे क्या होगा, छोटा ही आएगा। और ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो या जीरो से बड़ा। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यानी कोई भी दो नंबर आपको ए और बी दिया हो तो आप जो अपना पुराना भाग देते थे उससे ये ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते थे। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी। और इसका यूज हम क्या है, हम लोगों ने क्या किया था, एचसीएफ कैलकुलेट करने में, दो नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करने में हम लोगों ने, तो उसका एक एग्जांपल देखा था। तो एचसीएफ कैलकुलेट करना दो नंबर का क्या होता है, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते चले जाते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा लेके देखते हैं। मान लो आपको बोला जाए कि 50 और 4 का एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 और 4 के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले को यानी 50 को 4 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 50 बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, भाज बराबर भाजक, यानी भाजक यहाँ पे क्या है 4, उसको अलग तरह से लिखता हूँ भागफल 12 प्लस शेषफल 2। यानी 50 और 4 जिसका एचसीएफ निकालना था उनमें हम लोगों ने क्या लगाया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे फिर अगले स्टेप में, यहाँ पे जो बी है और जो आर मिला है इन पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और शेषफल 0, यानी 4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे अब रुक जाएंगे। और शेषफल जब 0 आ गया उस स्थिति में जो आपका भाजक है वही एचसीएफ होगा। दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, उन दोनों के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर लिखो, फिर बी और आर के बीच में फिर लगाओ, जब तक लगाते चले जाओ जब तक क्या हो जाए, यहाँ पे शेषफल 0 ना मिल जाए। और लास्ट में जो भाजक होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी 50 और 4 का एचसीएफ कितना आया, 2 आया। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों को डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, साल उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुण। तो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों को डिवाइड करे वही एचसीएफ। तो हम लोग ये करते चले जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ फिक्स स्टेप्स फिक्स कर लेते हैं और स्टेप्स फिक्स हो जाता है किसी कोई भी काम करने का, तो उसी को बोला जाता है एल्गोरिथम।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, HCF, और उसमें फिक्स स्टेप का यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एक लाइन में लिख देता हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बाद उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जो फिक्स स्टेप्स होते हैं उसी को एल्गोरिथम बोला जाता है। तो ये क्या है, ये वही है कि HCF, दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं, और उसके फिक्स स्टेप्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी जो स्टेप्स हैं, वो जो मेथड है, उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, दो धनात्मक पूर्णांकों सी और डी सी और डी और सी क्या है, ग्रेटर देन डी है, का HCF निकालने के लिए हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए चरण मतलब स्टेप्स के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हम लोग। पहला स्टेप क्या होता है, इसको मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं, तो आप लोग इसको भारी भरकम मत समझिए। सी और डी दो नंबर दिया है आपको, HCF निकालना है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे आप, सी और डी दोनों नंबर्स पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यानी बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे। यानी पहला स्टेप क्या होगा, सी और डी पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। पहले स्टेप में सी और डी पर सी और डी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। क्यू और आर जान लीजिए, ज्ञात है प्रमेयिका का, प्रमेयिका का प्रयोग करके क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि क्यू और आर कैसे ज्ञात करते हैं, कि जो सी होगा आपका, सी इक्वल टू क्या होगा, वो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी क्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे, भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया पहला स्टेप। अगर शेषफल जीरो है, अगर शेषफल जीरो है, अगर शेषफल जीरो है तो जो भाजक होगा वही इनका HCF हो जाएगा। तो एक स्टेप और लेते हैं, यदि स्टेप 2 में इसको बोलते हैं,
दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि यदि आर बराबर जीरो है तो डी ही तो सी और डी का एचसीएफ डी होगा। यानी अगर पहले स्टेप में आपने यूक्लिड विभाजन पर एक का दो नंबर पे लगाया और क्यू आर से इस पर जीरो आ गया तो आपका जो डी है वही क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा दूसरे स्टेप में। और इस स्टेप में अगर आर जीरो नहीं आया, यानी आर जीरो नहीं आ रहा है शेष पर कुछ और आ रहा है तो क्या करेंगे, डी और आर के लिए वही काम रिपीट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये हम लोग तब तक करते चले जाएंगे कि जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए। ये करेंगे, ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए। ये प्रक्रिया जब तक करेंगे कि शेषफल जीरो ना हो जाए, और जब शेषफल जीरो आ गया, शेषफल जब जीरो आ गया ना हो जाए उस स्थिति में भाजक ही HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, हम लोग इतना बड़ा सा पूरा लिखा है, कुछ नहीं, दो नंबर दिया रहेगा, HCF निकालना है C और D का, तो हम लोग क्या करेंगे, C और D में C बराबर होगा D से, छोटे से बड़े को भाग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे, C बराबर D इंटू Q प्लस R लिखेंगे। अगर R जीरो आ गया पहले स्टेप में तो D ही दोनों का HCF हो जाएगा, अगर R जीरो नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, D और R के लिए फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर अगर जीरो नहीं आया तो फिर अगले स्टेप में जो डी और आर आया होगा उस पे लगाएंगे, और तब तक करते चले जाएंगे जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए। तो लास्ट वाले स्टेप में जहां हमारा शेषफल जीरो होगा वहां पे जो ये होगा डी वही क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तो ये लिखने में बड़ा सा है, इसमें समझने में कुछ नहीं है ये। अब इसका एक यूज करके हम लोग देखते हैं HCF निकालते हैं। एक चीज और हम लोग देखेंगे कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, हम किसी भी जो दो नंबर दिए हो उसको a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके फिक्स स्टेप्स करते हैं उसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, पहला एग्जांपल वन दिया है उसमें। फोर जीरो फाइव टू, फोर जीरो फाइव टू और वन टू फाइव सेवन सिक्स
12576 12576 का एचसीएल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। एचसीएल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लेंगे स्टेप वन, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वन हम लोगों का क्या होगा, तो दो संख्याएं दिया है उस पे क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे, यानी 4052 और 12576 पर मैं 60 में लिख देता हूं यूक्लिड विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या लिखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे होता है, हम लोग क्या करेंगे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देंगे, 12576 जो आपके पास है इसको क्या करेंगे 4052 से भाग देंगे, ये 12000 है ये 4000 है तो तीन बार जाएगा, तीन बार 6 5 1 12 जीरो हो गया है, दो हो गया, ये चार, अब ये 4052 ये 420 है तो अब नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा। तो यानी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो 12576 को कैसे लिखेंगे, भाज बराबर भाजक, भाजक क्या है आपका 4052 गुणे भागफल, भागफल क्या है 3 और शेषफल क्या है 420। अब हम लोग यहां देखते हैं क्या है आर जो है ये शेषफल, जो हम लोग इसको आर जो देखते हैं शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो, तो शेषफल जीरो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे बी और आर पर फिर लगाएंगे, ये जो बी और आर इसलिए अलग कलर से लिखता हूं मैं कि ये हम लोग निकालते हैं ये पता रहता है, बी और आर पे हम लोग फिर लगाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप स्टेप टू 4052 और 420 पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या करेंगे 4052 को भाग देंगे 420 से, 420 पे तो ये कितनी बार जाएगा, अगर 10 बार करेंगे तो 42 हो जाएगा, 9 बार अगर करें तो 37 272 छोटा है तो ये शेषफल हो जाएगा। तो इन दोनों के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हम बड़ी संख्या यानी 4052 को कैसे लिख सकते हैं 420 बड़े 9 प्लस 272 शेषफल, यहाँ पे भी जीरो नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसी को रिपीट करेंगे यानी 420 और 272 पे फिर लगाएंगे। चार सौ बीस और 272 पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाने का। तो 420 और 272 पे जो हम लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे 420 को भाग देंगे 272 से, 272 148 ये शेष आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148
फिर क्या करेंगे हम लोग, 272 और 148 पे लगाएंगे अगले स्टेप में, 272 और 148 पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फिर क्या करेंगे, 272 को भाग देंगे 148 से, एक सौ चौबीस। तो 272 बराबर क्या लिखेंगे, 148 गुणे 1 प्लस 124। फिर से इस पर जीरो नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 148 और 124 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। हम साइड में लिखता हूँ, हमको ये तब तक करना है कि जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। तो अगला क्या मिला हम लोगों को, जो 272 और 148 और 124, 148 124 पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या लिखेंगे आप, 148 बराबर 124 गुणे 1, और यहाँ को भाग दे देते हैं 148 में 124 से, जब आप भाग देंगे तो एक बार जाएगा 124 और ये 4 ये 2 ये 24 से शेषफल आएगा, ये प्लस 24। फिर से शेषफल जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, 124 और 24 पे लगाएंगे, फिर 124 और 24 पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 124 और 24 पे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 124 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये क्या जाएगा, 5 बार जाएगा 120 और ये 4 शेषफल आ जाएगा। तो 124 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 24 गुणे 5 प्लस 4। फिर शेषफल जीरो नहीं आया, फिर हम लोग क्या करेंगे, 24 और 4 पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 24 और 4 पर लगाएंगे, तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, क्योंकि जब 24 और 4 पे लगाएंगे तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 24 खत्म, 0 शेषफल आ गया। तो 24 बराबर 4 गुणे 6 भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर बराबर 0 आ गया। तब तक हम लोग करते चले गए जब तक क्या आ गया, शेषफल हमारा 0 नहीं आ गया। और जिस स्टेप में शेषफल 0 आया है उसमें जो भाजक है, यही तो भाजक है, चार है तो चार ही तो भाजक है, यही क्या होगा, HCF होगा, यानी HCF क्या हो गया आपका, जो चार। तो एक बार और देखते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है, हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके निकालेंगे कैसे। दो नंबर दिए हैं, इनका HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या करेंगे, इन दोनों के लिए पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, पहले इसमें 4052 और 12576, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल आ गया। अब क्या करेंगे, भाजक और शेषफल पे फिर लगाएंगे, यानी भाजक 4052 शेषफल 420, इस पे फिर लगाया, फिर इसको 420 से डिवाइड करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, फिर भाजक और शेषफल पर फिर लगाया, यानी 420 और 272 पे लगाया, 420 और 272 पे लगाया तो 272 से डिवाइड किया तो 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148। अब क्या करेंगे, फिर 272 और 148 पे लगाएंगे, फिर जब ये 148 और 124 पे, फिर 148 में 124 से डिवाइड करेंगे, भाज बराबर भाज गुणे भागफल प्लस शेषफल लगाएंगे, शेषफल 0 नहीं आया, फिर 124 और 24 पे लगाएंगे, फिर 124 और 24 पे लगाने के बाद 24 और 4 पे लगाएंगे, और 24 और 4 में जब लगाया तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या हो गया, शेषफल 0, और इस स्टेप में भाजक क्या है, ये R जो है क्या आ गया अंतिम स्टेप में, 0 आ गया। तो उसमें भाजक जो है वही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको वही करते चले जाना है।
एक एग्जांपल हम लोग और छोटा सा लेते हैं कि मान लो बोला जाए 50 और 10 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो 50 और 4 10 पे क्या लगाएंगे, 50 और 10 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, या इसको 11 ले लेते हैं, थोड़ा एक दो स्टेप आगे क्योंकि पहले स्टेप में ही ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए 11 ले लेते हैं। तो लगाने के लिए क्या करेंगे, 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 44 ये 6 आ गया। तो हम लोग 50 को क्या लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना आया 4 प्लस शेषफल 6। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे फिर 11 और 6 पे लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 11 और 6 पे, तो 11 को डिवाइड करेंगे 6 से, एक बार जाएगा 6 5 शेषफल 11 और क्या लिखेंगे 6 गुणे 1 प्लस 5। फिर क्या करेंगे फिर 6 और 5 पे लगाएंगे, 6 और 5 पे, तो 6 और 5 पे लगाने के लिए 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक 5 और 1 से शेषफल, तो 6 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 5 गुणे 1 प्लस 1। उसके बाद फिर शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर 5 और 1 पे लगाएंगे, 5 और 1 पे जब लगाएंगे तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 5 5 और शेषफल 0। तो 5 बराबर हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, भाज बराबर भाजक क्या है 1 है और भागफल क्या है 5 है प्लस शेषफल 0 है। तो वहां तक हम लोग करते चले गए जहां शेषफल 0 और अंतिम स्टेप में जो हम लोगों का भाजक है यही एक, यही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, HCF = 1। तो हम लोग इससे एक चीज और देखेंगे कि 50 और 11 का HCF निकालना था तो ये क्या आया, एक आया। हम लोग क्या करेंगे 50 और 11 पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर जो यहाँ पे भाजक और शेषफल के फिर लगाएंगे उस पे, यही करते चले जाते हैं, कब तक करते चले जाते हैं जब तक शेषफल 0 ना। मान लो एक स्टेप ऊपर वाला हम लोग छोड़ देते हैं, 11 और 6 का अगर पूछा जाता, 11 और 6 का HCF, तो हम लोग क्या करते 11 और 6 पे क्या करते यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते, उसको ऊपर वाला भूल जाओ, अगर 11 और 6 का HCF पूछा जाता तो 11 और 6 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते, उसके बाद में अगर शेषफल 0 नहीं आता तो फिर इस पे और इस पे लगाते, फिर 6 और 5 पे लगाते, फिर यही करते करते यहां पहुंच जाते। तो अगर 11 और 6 का HCF पूछा होता तो भी वो भी 1 ही होता। अब एक स्टेप और करते हैं, मान लो 6 और 5 का HCF पूछा जाता तो हम लोग 6 और 5 पे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते, तब तक करते चले जाते जब तक शेषफल 0 ना हो, तो 6 और 5 का HCF भी 1 आता। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमको ये बताना है कि जब हम लोग ये करते हैं यहां से, तो हम लोगों को क्या मिला, एक अच्छा सा चीज ये मिला कि जो HCF है पचास और ग्यारह का, वही क्या है HCF 11 और 6 का, वही क्या है HCF 6 और 5 का, और वही क्या है HCF आप 5 और 1 का। तो एक चीज हमको ये मिलता है, मजबूत चीज मिलती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जब निकालते हैं तो जो पहले स्टेप का HCF होता है वही इसका भी HCF होता है, वही इसका भी HCF होता है, वही इसका भी HCF होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे, एडवांस एग्जाम्पल देखेंगे जिनसे आगे दिए हैं कि इसका यूज करके क्या किया जाता है।
दूसरा एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी का है, लेते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम गुणांक तथा प्रत्येक धनात्मक विषम गुणांक 2q+1 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। तो इसमें हम लोग पहले दो चीजें देखते हैं। एक टर्म जो यूज होता है धनात्मक संपूर्णांक, धनात्मक संपूर्णांक ये क्या होते हैं, ये 1, 2, 3, 4 तो आगे ऐसे बढ़ते चले जाओ, यही क्या होते हैं, ये धनात्मक संपूर्णांक होते हैं, इनको बोला जाता है, सॉरी सॉरी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, सॉरी धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इनको। और पूर्णांक क्या होते हैं, इसी में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, पूरे पूर्णांक हो जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ये पूर्णांक। हम लोग नंबर्स से संबंधित ये यूज हुआ है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक किसे बोला जाता है और पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि वही जो हमारी गिनने वाली संख्या है उसी को धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है, और उसमें जीरो और मिला दो तो वो धनात्मक वो पूर्णांक हो जाता है, धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक हो जाता है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन अगर हम लोग इस टाइप का अच्छे से समझ लेंगे, एक क्वेश्चन केवल, तो सारे क्वेश्चन अपने आप निकलते चले जाएंगे, सब में सेम चीज रिपीट होना है, इसलिए एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे पूरा एकदम कंप्लीट। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, यानी जो पूर्णांक में जो पूरे पूर्णांक है आपके जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें कुछ सम होंगे कुछ विषम होंगे, संख्याएं ऐसे ही तो होती हैं, आप एक से गिनते गिनते चले जाओगे तो या तो सम संख्याएं मिलेंगी या विषम संख्याएं मिलेंगी। तो वो क्या कह रहे हैं, या तो वो 2q के रूप का होगा, यानी 2 × q क्या है पूर्णांक, 2q के रूप का होगा, या 2 × q+1 इस रूप का होगा। तो हम लोग यहां से ये देखते हैं कि हम लोगों को यहां पे क्या है कि जो नंबर हम लोगों का जो सेट है, तो धनात्मक पूर्णांक का जो पूरा नंबर का जो सेट है आपका, मतलब 1, 2, 3, 10, 15 ऐसे लिखते चलो, 11, 12 ऐसे सारे जो इसमें हैं, इनके बारे में बात करी जा रही है कि दर्शाइए कि प्रत्येक, अभी हम पूरे पूर्णांक के बारे में बात करेंगे, तो इसमें धनात्मक जो होगा वो 2q के रूप का, और जो धनात्मक संपूर्णांक होगा वो 2q के रूप का, और जो विषम पूर्णांक होगा वो 2q+1 के रूप का। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, जो ये दिया रहता है, ये हम लोग को जो दिया रहता है, तो हमारा ये क्या कह रहा है, कोई नंबर ए यही तो बराबर है 2q के रूप का। तो यहाँ पे दो क्या है, भाजक है और ये भागफल है और ये
शेषफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग मान लिए ए, तो इस धनात्मक पूर्णांक में हमारे सारे पूर्णांक आ जाएंगे ए, इसलिए माना कि एक एग्जांपल लेके नहीं चले कि 15 ले लिए ए, क्या होगा ये बदल बदल के सारे धनात्मक पूर्णांक इसमें आ गए। हम लोगों को ये हो गया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये सारे हो सकते हैं, ए की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसलिए हम लोग क्या मान लिए हैं, ये वेरिएबल मान लिए हैं। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां एक नंबर हम लोगों का 2 दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, ये है और ये b बराबर 2 हम लोग ले लेंगे, तथा b बराबर 2। यहां से हम लोगों को पता चलेगा कि हमको b क्या लेना है, b यहां से क्या है 2 ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, a और b पर, ए और बी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर, तो 2 नंबर्स पे आप जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए और बी पर जब लगाते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए बराबर बी इंटू, और कुछ आपका क्या आता है, भागफल आता है, उसको क्यू से डिनोट करते हैं, प्लस क्या आता है, शेषफल आर से डिनोट करते हैं, ऐसे ही तो लगाते हैं। और ये जो शेषफल आर होता है उसके बारे में हमको पता है क्या होगा, ये 0 से बड़ा है 0 के बराबर और हमेशा बी से होगा। तो ए और बी से जो हम लोग युग्मित विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, और बी क्या है 2 पर, यानी ए और 2 पर, तो फिर वैसे क्या लिखेंगे, भाज बराबर, यानी ए बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल हम लोग क्या मान लेते हैं, जब ए को 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्यू आया और शेषफल आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ए की वैल्यू बदलेगी हम लोगों का भागफल शेषफल बदलेगा, तो इसलिए भागफल को हम लोग क्या मान लिए, नंबर मान लिए कि ये क्यू आया और शेषफल क्या आया, आर आया, यानी ए हमेशा क्या होगा, ए बराबर 2q+r के रूप में, और क्यू क्या है, पूर्णांक है, क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक आएगा ना, या तो क्यों आपका 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3, तो पूर्णांक ही तो आएगा। तो यानी जो आपके सारे जो नंबर से धनात्मक पूर्णांक ए बराबर 2q+r के रूप में होंगे। और एक चीज हमको देखना, r क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या उसके बराबर और 2 से छोटी, इसको कैसे पढ़ते हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी आर की अगर कितनी वैल्यू पूछी जाए, आर बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पे बराबर नहीं है, 2 से हमेशा छोटा होगा, तो 2 से हमेशा छोटा पूर्णांक में 1 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 हो सकती है 2, यानी हमेशा a बराबर 2q+r को कैसे लिख सकते हैं, या ये a बराबर 2q+0 होगा या a बराबर 2q+1 होगा, यही 2 हो सकता है, क्योंकि r की वैल्यू तो हम लोगों को पता है ना कि यहाँ पे b 2 है, तो r की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, यानी हमारे जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक वो सारे a बराबर 2q या 2q+1 के रूप में होंगे।
हमारा जो ए होगा वो 2q होगा या 2q+1 होगा। ये हमारा क्या है, या तो ये जो आपने ए जो माना था कोई धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होगा, या तो 2 × q होगा या क्या होगा 2 × q+1। यानी जो आपके सारे धनात्मक पूर्णांक हैं या तो 2q के रूप में होंगे या 2q+1 के रूप में होंगे। और 2q का मतलब क्या है, जो वो धनात्मक पूर्णांक जो 2 × q होंगे, यानी वो 2 के गुणज हैं। और सब सम संख्या क्या होती है, 2 का गुणज होता है। सम संख्या में 2 से अगर आप भाग दोगे तो कट जाएगा, तो ये वाले जो हो जाएंगे वो सम पूर्णांक हो जाएंगे। और सम में अगर एक संख्या जोड़ दो तो वो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। तो यानी यहां से ये क्लियर हो गया कि जो धनात्मक सम पूर्णांक होंगे, धनात्मक सम पूर्णांक सारे वो कैसे होंगे, वो 2q के रूप के होंगे। और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो 2q+1 के रूप के होंगे। तो हम लोगों ने ये एग्जांपल, एक क्वेश्चन अगर हम लोग इसका समझ लेते हैं तो सारे उसी टाइप के होते हैं। ये बोला है कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप के होते हैं। तो हम लोग जब पूर्णांक लेते हैं तो या तो सम होंगे या विषम होंगे। तो हमने ए मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कुछ भी हो सकता है। और 2 × q यानी यहां से हमको 2 मिला, यही यहां से हम लोगों को q की वैल्यू मिली, तो और क्या करेंगे 2। तो यानी b बराबर हम लोग क्या ले लिए, 2 ले लिए। अब a और 2 पे क्या किए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो जब a को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाज्य बराबर भाजक 2 है और गुणे कुछ भागफल आएगा प्लस शेषफल आएगा। भागफल को हम लोग क्या मान लिए, q है। शेषफल क्या है, आर। शेषफल आर है, हमको पता शेषफल या तो अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या में, जब 2 से डिवाइड करेंगे आप तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा। यानी a बराबर 2q+r के रूप में लिखा है। तो यानी a बराबर ये 2q+0 या 2q+1, ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। यानी a बराबर जब 2q होगा, यानी आपका धनात्मक पूर्णांक 2q है, यानी वो 2 × कोई पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सम पूर्णांक है, ये सारे सम पूर्णांक है। और ये क्या है, ये नीचे वाले ये विषम पूर्णांक है, क्योंकि सम पूर्णांक में एक जोड़ोगे तो विषम पूर्णांक। तो धनात्मक सम पूर्णांक 2q, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया, 2q+1 है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। अगले अगली बार देखते हैं इसका, इसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसके अगली बार अगला एग्जांपल लेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन अगर आपको पता चल गया, कायदे से पूरा एनालिसिस करके देख लिया आपने, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन इस टाइप का, तो 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप कर लोगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।